संयोग एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड यानी के दवाइयों की कंपनी, और ये नाम आपने अक्सर सुना होगा क्योंकि ये नाम जब भी आता है और इस नाम के साथ विवाद जुड़ा होता है। इस नाम के साथ विवाद इसलिए है क्योंकि पहले तो हम ये आपको बता दें कि जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में आज से लगभग ठीक साल पहले जो है वो टेंडर हुए थे, यानी कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं जम्मू में वहाँ पर फ्रेंचाइजी यानी कि काउंटर जो है वो संयोग फार्मेसी द्वारा खोले गए थे। उसमें प्रमुख थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डेंटल हॉस्पिटल, गांधीनगर हॉस्पिटल और मेंटल हॉस्पिटल। ये कुछ ऐसी जगहें हैं, ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां पर संयोग फार्मेसी ने अपना काउंटर खोला था और ये कहकर खोला था कि वहां पर डिस्काउंट में आपको दवाई दी जाएगी। इस समय मैं सुपर स्पेशलिटी में हूं और मेरे ठीक पीछे ये जो दुकान आपको दिखाई दे रही है यानी कि काउंटर जो दिखाई दे रहा है ये संयोग एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का ये वो काउंटर है जिस पर अगर बोर्ड पर ध्यान देंगे तो गवर्नमेंट अलॉटेड 24/7 10-15% डिस्काउंट, यानी कि यहाँ से अगर आप कोई भी दवाई ख़रीदते हैं तो आपको 10-50% डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले भी दवाइयों के दाम को लेकर जो है वो विवाद जो है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इस काउंटर पर हुआ था। और फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे से बैनर लगाए हुए हैं काउंटर पे, सेल क्लोज ड्यू टू स्टॉक ऑडिट। अब ये ऑडिट कंपनी करवा रही है या फिर सरकार करवा रही है फिलहाल ये तो ये लोग ही जाने। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि जो टेंडर जो है वो हुआ था और उस टेंडर की अवधि जो है वो ख़त्म हो गई है। और यानी कि अगर टेंडर आपको हम बता दें कि ये टेंडर उस समय हुआ था जिस समय जम्मू कश्मीर के हेल्थ मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह थे, जब ये काउंटर्स ओपन हो रहे थे उस समय भी विवाद मचा हुआ था और धीरे धीरे वो विवाद जो है वो बढ़ता गया और बाद में जो है वो काउंटर्स ओपन हो गए। लेकिन जैसे ही चौधरी लाल सिंह हेल्थ मिनिस्टर की कुर्सी से हटे और बाद में हेल्थ जम्मू कश्मीर के हेल्थ मिनिस्टर बाली भगत बने तो फिर से एक बार विवाद जो है वो शुरू हो गया। लेकिन धीरे धीरे ये काउंटर जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो चुके थे, चलना शुरू हो चुके थे, लेकिन वही दाम को लेकर एक बार फिर से विवादों में आ गया था ये काउंटर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये काउंटर जो है संयोग फार्मेसी के अंडर जो है ये काउंटर खुला हुआ है और ऐसे बहुत सारे और भी काउंटर्स हैं। अगर मैं एक बार फिर से आपको बताऊँ तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक काउंटर है संयोग फार्मेसी के नाम से, वहाँ पर भी है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये काउंटर है, गांधीनगर हॉस्पिटल में है, डेंटल मेंटल तकरीबन जहाँ पर सरकारी अस्पताल है वहाँ पर इन संयोग फार्मेसी का काउंटर है। क्योंकि वो टेंडर जो है वो समाप्त हो चुका है, ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो 30 दिन का समय जो है वो दिया गया है कि आप इस काउंटर को खाली कर दीजिए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा 30 दिन का नोटिस दिया गया है कि काउंटर खाली करवा दीजिए तो यहाँ पर ये सेल क्लोज ड्यू टू स्टॉक ऑडिट, जो ऑडिट है अब वो प्रशासन करवा रहा है या फिर कंपनी जो है वो खुद से करवा रही है ये तो या तो प्रशासन जाने या फिर कंपनी जाने। लेकिन खबर ये है कि जो संयोग के साथ प्रशासन का यानी कि सरकार का टेंडर हुआ था, लगभग 21 करोड़ का ये टेंडर हुआ था जिसमें तकरीबन जितने भी जम्मू के अगर मेन हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गांधीनगर, डेंटल, मेंटल, हर एक हॉस्पिटल में संयोग फार्मेसी के नाम का एक काउंटर है और वहाँ पर एक बोर्ड जो आपको है वो ज़रूर दिखाई देता होगा संयोग फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन कोई भी काउंटर, समझने वाली बात यह है कि अगर कोई भी काउंटर जो है वो जिस समय खुलता है तो वहाँ पर प्रशासन हो या फिर सरकार हो एक बात का हमेशा ध्यान रखती है कि कोई भी काउंटर खुले तो वहाँ पर जन औषधि की जो है वो बोर्ड जो है वो बिल्कुल सामने होना चाहिए। और यहाँ पर भी लगा हुआ है, लेकिन ये देखिए ये कहाँ पर लगा हुआ है, ठीक दरवाजे के ऊपर लगा हुआ है जहाँ पर किसी की नज़र भी ना जा सके। जन औषधि, जन औषधि वो चीज़ होती है जो सरकारी दवाई होती है, यानी कि अगर आपको पेट में गैस हुआ है तो आप पेंटॉप का एक स्ट्रिप लेंगे, वही अगर आप जन औषधि का लेंगे, अगर पेंटॉप का मान लीजिए स्ट्रिप जो है वो 104 रुपये का है और वही गैस की दवाई अगर आप जन औषधि की लेते हैं तो आप लोगों को वो 10-15 रुपये के बीच में पड़ सकता है। लेकिन खबर ये है कि चर्चाओं में जो खबर है संयोग एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो टेंडर किया गया था आज लगभग 21 करोड़
का वो टेंडर था और अब उसकी अवधि जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अब इनकाउंटर्स को जो है वो ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो एक नोटिस इशू किया गया है। लेकिन वही यहाँ पर काउंटर के अगर पीछे आप देखेंगे, सेल क्लोज ड्यू टू स्टॉक ऑडिट। अब ये ऑडिट प्रशासन करवा रहा है या फिर कंपनी, ये या तो कंपनी जानती है या फिर प्रशासन। आप लोग देखते रहिए आरली पोस्ट, कैमरामैन श्याम जी के साथ देव ठाकुर जम्मू।